कक्षा ग्यारहवीं के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नवाली एक दशमलव एक के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक एक और प्रश्न क्रमांक दो को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आप लोगों को तो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक तीन से शुरू करने वाले हैं तो प्रश्न क्रमांक तीन में देख लेते हैं क्या प्रश्न है निम्नलिखित समुचों को रोस्टर रूप में लिखे तो रोस्टर रूप में लिखने लिखना है तो इसे सीखते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है ए बराबर एक्स अनुपात एक्स एक पूर्णांक एक है और माइनस तीन लेस देन एक्स लेस देन सेवन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको आप कैसे हल करोगे तो देखो हल कैसे करोगे तो यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है तो ये कहना चाहता है कि माइनस से लेके सात के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनको आपको लिखने के लिए कहा है सीधी सी बात है तो माइनस तीन से लेकर सात के बीच में क्या क्या संख्या है तो माइनस तीन के बाद क्या आता है माइनस दो माइनस दो के बाद माइनस एक माइनस एक के बाद जीरो जीरो के बाद एक एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार चार के बाद पाँच पाँच के बाद छः आता है तो ये सारी संख्या किसके बीच में है माइनस तीन से सात के बीच में है ठीक समझ में आ गया पहला प्रश्न तो पहला प्रश्न का आंसर ये रहा दूसरा देख लेते हैं दूसरा प्रश्न दूसरा क्या है दूसरा है बी बराबर एक्स अनुपात एक्स संख्या छः से कम एक प्राकृतिक संख्या है क्या है छः से कम बताना है और वो सारी की सारी संख्या क्या होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से शुरू होता है और एक से शुरू होकर आगे तक चलता है कभी भी ये माइनस नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता है तो और हमें कहाँ तक बताना है छः से बताना है कम तो छः से कम मतलब एक दो तीन चार पाँच यही क्या होगा इसका आंसर होगा ये भी समझ में आ गया चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या है सी बराबर एक्स अनुपात एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग योगफल आठ है तो अंकों का योगफल आठ होना चाहिए और यहाँ पे क्या कहे दो अंकों की प्राकृतिक संख्या बताना है एक अंकों की नहीं तो दो अंकों की संख्या क्या कहाँ से शुरू होता है ग्यारह से तो ग्यारह से लेकर निन्यानवे तक दो अंकों की संख्या हो गई लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है क्या क्या है कि उन दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए आठ होना चाहिए तो हमें सिर्फ वही संख्या लेना है जिन दोनों संख्याओं का अंकों का योग आठ हो तो कौन कौन से संख्या हो सकता है तो देखो एक साथ मतलब सत्रह सत्रह को अगर आप जोड़ते हो तो कितना प्राप्त होगा मतलब एक और सात करोगे कितना होगा आठ होगा अब इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा इकहत्तर बन जाएगा ये तो इकहत्तर को देखो सात प्लस एक करोगे कितना प्राप्त होगा आठ प्राप्त हो गया तो यहाँ पे दूसरा संख्या क्या होगी इकहत्तर तीसरा संख्या छब्बीस चौथा संख्या बैंसठ फिर पाँचवा संख्या पैंतीस छठवाँ संख्या तिरपन और छठवा संख्या क्या है सॉरी सातवां संख्या क्या है चौवालीस है तो इससे अधिक और कोई संख्या नहीं है जिन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आठ प्राप्त हो तो ये सारी संख्या क्या है इन सभी संख्या को जोड़ने पर इनके योग कितना प्राप्त होगा आठ प्राप्त होगा समझ में आ गया यही संख्या है इसका आंसर चलो आगे देखते हैं अगला है डी चौथा है तो डी बराबर एक्स अनुपात एक्स एक, एक, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या साठ का भाजक है तो साठ का भाजक हमें बताना है तो देखो साठ को पहले भाजक दे देते हैं ठीक है मतलब साठ को पहले भाग देते हैं तो जो संख्या से हम भाग देंगे वो सारी संख्या क्या होनी चाहिए साठ के अभाज्य होना चाहिए अभाज्य जो भाग नहीं जा सकता तो पहले भाग दे दो तो इसको कैसे भाग दोगे लघुत्तम विधि से तो दो से आप डिवाइड करोगे मतलब तो दो से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दो से भाग दोगे साठ को तो तीस आ तो तो गया तीस को फिर से दो से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा पंद्रह प्राप्त होगा पंद्रह को फिर से, से दो से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा पाँच अब पाँच जो है वो सिर्फ पाँच से सॉरी पंद्रह को तीन से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा पाँच और पाँच जो है वो सिर्फ कितने से भाग जा सकता है पाँच से तो पाँच एकम पाँच तो यहाँ पे पाँच एक प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पे देखो दो गुड़ित दो गुड़ित तीन गुड़ित पाँच आ गया ये सभी के सभी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है ठीक है और ये साठ का गुड़ज है तो साठ का साठ का गुड़ज है और ये सभी दो दो दो, दो तीन पाँच थभी के थभी क्या अभाज्य है अब यहां पे ध्यान देना कि जो संख्या रिपीट है उसको हमें रिपीट नहीं लेना है नियम का यही नियम है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहां पे दो जो है रिपीट हो रहा है तो यहां पे सिर्फ दो को एक बार लिखना है फिर तीन, फिर तीन पांच लेना है यही क्या है इसका आंसर है और ये सारी के सारी संख्या अभाज्य अभाज्य का मतलब क्या होता है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं दो तीन पांच इसका आंसर आ गया समझ में आ गया चलो आगे देखते हैं पांचवा बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूच समुच्चय बताना है सभी अक्षरों का समुच्चय ठीक है तो इसमें देखो जो जो संख्या ना दो बार रिपीट हुआ है उसको हटा दो बाकी सभी संख्या को सभी अक्षरों को ले लेना है तो कौन कौन से अक्षर रिपीट हुआ है तो देखो टिग्नोमेट्री में यहाँ पे देखो टी आर आई जी ओ एन एन के बाद ओ जो है रिपीट हुआ है इसको आप हटा दो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने एक बार ले लिया है फिर एम एम के बाद देखो ई है ई e के बाद क्या है टी है टी फिर से रिपीट हो रहा है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि टी को हमने पहले ही एक बार ले लिया है फिर इसके बाद देखो आर है आर भी रिपीट हो रहा है तो ये भी हमने एक बार ले लिया है जिसको तो हमें लेने की जरूरत नहीं है इसके बाद बचा क्या वाई तो यही सब क्या है इसका आंसर है समझ में आ गया चलो आगे देखते हैं छठवा बेटर यहाँ पर दिया हुआ है एप बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय इन सभी अक्षरों के समुच्चय बताना है तो यहाँ पर जो जो संख्या रिपीट में हो रहा है उसको आपको छोड़ देना है सिर्फ एक बार लेना है तो देखो बी ई टी उसके बाद फिर क्या रहा है टी आ रहा है टी रिपीट हो रहा है तो आपको उसको लेना नहीं है ई फिर से रिपीट हो रहा है उसको आपको लेना नहीं है और आर जो है यहाँ पे लेंगे ठीक है तो बी ई टी आर बस लेंगे जो रिपीट हो रहा है उसको हम सिर्फ एक बार लेते हैं समझ में आ गया तो ये इसका आंसर हो गया